हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में बच्चों हमने कौन कौन से स्वर सीखे थे। अ अ अजगर नो अ। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा स्वर सीखा था बच्चों हमने, आ आ आग बोट नो आ। नेक्स्ट हमने सीखा ई ई ईयर नो ई। ये छोटा ई है तो उसमें हमें कौ भी छोटा करना है। उसके बाद हमने सीखा था बड़ा वाला ई ई ईस नो ई ई ईट नो ई। वो आपको कव करते हुए ये लाइन तक टच करना है। ई के बाद नेक्स्ट कौन सा स्वर आएगा बच्चों, ऊ ऊ उत्तरायण नो ऊ। तो बच्चों देखो उसमें पहले आपको इस तरह त्र गड़े त्राण लिखना है, फिर आपको वहाँ से ऊपर ये कव करना है तो बन जाएगा ऊ ऊ उत्तरायण नो ऊ ओ उत्तरायण नो ओ। बच्चों इस तरह आपको जब तक नहीं आ जाता तब तक आपको ट्रेस करते रहना है, बाद में आपको नीचे लिखना है। देखो फर्स्ट हम त्र गड़े त्राण लिखेंगे, फिर वहाँ से स्टार्ट करते हुए क आपको ऊपर तक ले जाना है। तो कौन सा स्वर बना बच्चों ये, ऊ ऊ उत्तरायण नो ऊ उत्तरायण नो ऊ। बच्चों ये भी छोटा ऊ है, ई भी दो थे, छोटा ई और बड़ा ई, तो उसी तरह से ऊ भी दो है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ऊ उत्तरायण नो ऊ। ऊ उत्तरायण नो ऊ। त्र गड़े त्राण फिर कव करते हुए ऊपर, तो कौन सा स्वर बना बच्चों ये, ऊ। बच्चों इस तरह आप सबको भी बोलते हुए लिखना है ताकि आप सबको जल्दी से याद रह जाए। ऊ उत्तरायण नो ऊ। आपको उत्तरायण का फेस्टिवल तो बहुत पसंद होगा। तो ये हमने ऊ लिखकर कंप्लीट कर लिया। ये जो बाकी की लाइन बची है वो आप सबको होमवर्क में कंप्लीट करनी है। तो ये कौन सा स्वर सीखा बच्चों हमने, ऊ उत्तरायण नो ऊ। उसके आगे का जो स्वर है वो है बड़ा ऊ, ऊ ऊन नो ऊ। उसमें भी आपको पहले त्र गड़े त्राण लिखना है, फिर कव करते हुए ऊपर और फिर नीचे स्टैंडिंग लाइन और फिर ये छोटा कव। तो ये कौन सा स्वर बना बच्चों, ऊ। ये है बड़ा ऊ, ऊ ऊन नो ऊ। कैसे लिखेंगे हम, त्र गड़े त्राण कव करते हुए ऊपर, फिर आपको नीचे स्टैंडिंग लाइन करते हुए आना है और फिर नीचे आपको ये छोटा सा कव करना है तो बन जाएगा ऊ ऊ ऊन नो ऊ। ऊ ऊंट नो ऊ। ऊंट यानी कि कैमल। इसी तरह से आपको जब तक नहीं आ जाता तब तक आपको ट्रेस करते रहना है। अब हम नीचे लिखते हैं त्र गड़े त्राण फिर कव। देखो आप इतना करोगे तो ये छोटा ऊ बनेगा, लेकिन आपको बड़ा ऊ बनाना हो तो फिर से आपको नीचे तक ले आना है तो ये बनेगा बड़ा ऊ, ऊ ऊन नो ऊ। आपको ये नीचे लाइन तक कव लाना है, ऊ ऊन नो ऊ। ऊट नो ऊ। ऊ ऊन नो ऊ। ऊ ऊट नो ऊ। बच्चों इस तरह आप सबको भी बोलते हुए लिखना है। तो ये कौन सा स्वर सीखा हमने बच्चों, बड़ा ऊ, ऊ ऊन नो ऊ, ऊ ऊंट नो ऊ। ऊ के बाद कौन सा स्वर आएगा बच्चों, ए। उसमें आपको क्या करना है, आपको पहले अ लिखना है। ये लिखा हमने अ अजगर नो अ, और उस पर आपको इस तरह से एक स्लैंटिंग लाइन बनानी है तो क्या बना, ए ए ए रण नो ए। पहले आपको अ लिखना है, अ अजगर नो अ, और उस पर आपको इस तरह से एक स्लैंटिंग लाइन बनानी है तो कौन सा स्वर बना बच्चों ये, ए ए ए रण नो ए।
अब हम उसे नीचे लिखना सीखेंगे। पहले अ और ऊपर इस तरह से एक स्लैंटिंग लाइन, तो बना ए, ए एरनो ए, ए एरनो ए, ए एकनो ए, ए एडीनो ए, ये तो बहुत इजी है। पहले आपको अ लिखना है और ऊपर एक स्लैंटिंग लाइन बनानी है, तो क्या बनेगा, ए, ए एरनो ए, ए एरनो ए, ए एडीनो ए, ए एकनो ए। बच्चों इस तरह आप सबको भी बोलते जाना है और लिखते जाना है। ए एकनो ए। तो ये हमने कौन सा स्वर सीखा बच्चों, ए, ए एरनो ए। उसके बाद कौन सा स्वर आएगा बच्चों, ऐ, ऐ ऐरावतनो ऐ। तो उसमें भी पहले आपको अ लिखना है और ऊपर आपको दो स्लैंटिंग लाइन बनानी है। कितनी बच्चों, दो। हमने आगे जो ए सीखा उसमें वन स्लैंटिंग लाइन थी, तो उसे कहेंगे ए एरनो ए। अब यहाँ पे है अ और ऊपर दो स्लैंटिंग लाइन बनानी है आपको, तो ये क्या बनेगा, ऐ बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, ऐ। पहले आपको अ लिखना है, फिर ऊपर दो स्लैंटिंग लाइन, तो बनेगा ऐ, ऐ ऐरावतनो ऐ, ऐ ऐरावतनो ऐ। इसी तरह से आपको जब तक नहीं आ जाता तब तक आपको ट्रेस करके लिखना है। अब हम नीचे लिखते हैं, पहले हम लिखेंगे अ और ऊपर हम करेंगे दो स्लैंटिंग लाइन, तो क्या बनेगा, ऐ। ये जो स्टैंडिंग लाइन की है उस पर ही आपको दो ये स्लैंटिंग लाइन बनानी है, बीच में नहीं बनानी है। ऐ ऐरावतनो ऐ। ऐ ऐरावतनो ऐ। बच्चों याद रखना, ऐ में आपको दो स्लैंटिंग लाइन बनानी है तभी बनेगा ये स्वर ऐ। ऐ ऐरावतनो ऐ। ऐ ऐरावतनो ऐ। कौन सा स्वर है बच्चों, ऐ, ऐ ऐरावतनो ऐ। इसी तरह से जो ये बची हुई लाइन है वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करनी है बच्चों। तो ये हमने कौन सा स्वर सीखा, ऐ, ऐ ऐरावतनो ऐ। तो आज हमने कौन कौन से स्वर सीखे बच्चों, ऊ, ऊ उत्तरार्णो ऊ, ये छोटा ऊ है। उसके बाद हमने सीखा बड़ा ऊ, ऊ ऊननो ऊ, ऊ ऊटनो ऊ। उसके बाद हमने सीखा ए, ए एडीनो ए, ए एरनो ए। और उसके बाद लास्ट हमने कौन सा स्वर सीखा, ऐ, ऐ ऐरावतनो ऐ। तो आज हमने ये जो भी स्वर सीखे वो आप सबको भी आपकी नोटबुक में बोलते हुए लिख लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आगे के स्वर सीखेंगे, तब तक आप ये सारे स्वर नोटबुक में लिख कर लर्न कर लेना।